भगवान के बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे नाम है, वैदिक नाम है, पौराणिक है, तांत्रिक है, उनके गुरु को लेकर महात्माओं ने ऋषियों ने जिन जिन नामों से संबोधन किया वो सारे उनके नाम पर भागवत में सुखदेव जी ने कुछ उनके विचित्र नाम बताए थे। उन नामों की सूची प्रथम स्थल में जानवर निगरानी में यहाँ तक अगानी को आत्मा कह दिया है, जिनका जरा सा भी स्मरण करने पर इंद्रियों की सारी बाल दृष्टाएं स्वाभाविक सब जगह से सुलझ कर भगवान में आ जाती है। उन भगवान के लिए मैया ने कृषज्ञता की है। किसी प्रकार का शब्द सुंदर शब्द और इस स्टोरी का भगवान की स्टोरी का अंग है। जिन लोगों ने दिया ये बहुत बड़े महात्मा है, बहुत ऊंचे सिद्ध है, अपने मन से जगत को निकालने की चेष्टा अच्छे साधन किया जाता है। सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमने भगवान से रहने के स्थान पर जगत को आसन दे दिया। हमारी मूर्खता, हमारा पाठ, सारे पाठों की जड़ यही है। भगवान सबके अंदर हैं, हमारे अंदर भी हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं, ये हटते नहीं। परंतु उन्होंने अपने को छिपा रखा है इस बड़ी कुसंग से बचने के लिए। हमारे अंदर संसार बस रहा है और संसार में भगवान से रहित जो संसार है उसमें दो चीजें हैं, पाप और पाप।
ये तीन नाम भगवान ने बताए ये गलत थे। असुखम भगवान ने बताए दुखारयम और दुख यू नयाखम, इसमें सुख है ही तो खाली है, इसका खाली नहीं है। दुखों का घर है, जैसे विद्यालय का अनाथा है, वस्त्रा है, इनके आलय, इनके घर, इसी प्रकार भगवान ने नाम रखा है दुखालय, दुखों का आलय। सुख नहीं है तो दुखों का घर है, जब उस घर वाले सारे समाप्त हो जाएंगे, सबके घर खाली हो जाएगा ना, लेकिन ना दुख यूं रहा, केवल दुखालय नहीं है, दुखों की उत्पत्ति का स्थान भी है। तो सुख नहीं तो है, दुखालय है और दुखों की उत्पत्ति का स्थान। ये दुख क्यों होते हैं, इसका मूल कारण है पाप का मूल कारण क्या है, क्यों होते हैं पाप। कल परसों की बात हुई थी, कामना से पाप होते हैं, ममता आसन की विभिन्न कामना होती है, संग्रह संग्राय के कामना जगत में भरी है और जगत को हमने अपने अंदर भर रखा है, तो इस पाप पाप रूप जगत का जब एक बड़े सौभाग्य से मनुष्य के जीवन में दर्शन होता है, सुख देखते हुए भी, सुख पाते हुए भी, सुख भोगते हुए भी, जगत की सुख मरता के दर्शन नहीं, जगत अनित्य है और दुख पाप का फल है, ये सब हम जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझाते भी हैं, परंतु ठीक ठीक हम उसको देख नहीं पाते। किस घड़ी किस क्षण किसी अच्छे सत्संग से इस स्वरूप सुधि का दर्शन हो जाए तो मन भागेगा, मन चाहेगा इससे पिंड गुजरे, इससे निकले, ये हमारे जीवन में से निकले। जैसे सीधी सी बात है, जो भोग हो रहा है भोग, उसमें पक्षी लगी है, उस पंक्ति में हम भी बैठे भोजनार्थ बैठे और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें परसी जा रही है, कह रहा था कहीं भोज हो रहा है और पंक्ति पड़ी है, उस पंक्ति में हम भी बैठे, अच्छी अच्छी चीजें बड़ी सुंदर बड़े आदर के साथ परोसी जा रही, ऐसी बढ़िया बढ़िया सुंदर मिठाइयाँ हैं जो देखने में सुंदर हैं, खाने में मधुर हैं, आकार सदा बड़े अच्छे, रंग बड़ा अच्छा, उन पर सोने वगैरह के बर्फ लगे हुए, खाना शुरू करने वाले हैं, एक मित्र ने काम में कहा भैया हमने देखा था चार सौ में सांप ले लिया, सांप
क्या चिंता था उनको तो पता नहीं, पर थोड़ी देर के बाद काफी नीचे पड़ी तो दूसरा मक्खियां बैठी मर गई। उसने हमसे काम नहीं कहा, अब लोग भोजन करना चाहते सब सब खाना मत करे, अब सब लोग बैठे खाने की तैयारी बिगाड़े, बैठने वाले भी प्रवेश किया जो भी खाते अरे बोलिए कहे जा रहे हैं। सुनो चाचू ने सांस ले गया, इन घर वालों के विचारों को मालूम उनकी नियत बड़ी अच्छी, पर कहीं जहर मिठाई में हो गया तो हाँ बोली बात तो ठीक है, कोई नहीं खाता सब ने खाते खा लिए। बोले पहले कोई क्या है, तो जहर का सहन हो जाए इसका खाना हम छोड़ देते हैं, जहर का सहन हो जाए तो खाना छोड़ देते हैं। हालांकि खाना सुंदर भी है स्वादिष्ट भी है, तो रुपया जहर भी थोड़ा सा कभी होगा उसका असर होता है, पर वो स्वाद नहीं आता। पर यदि हम सचमुच समझने की जहर है विषयान विषय ठीक ठीक हमारी समझ में आ जाए कि जगत दुखमय है, दुखालय है और अशाश्वत है, पाप का इसका स्वरूप है, तो क्या हम जगत को रखना चाहेंगे? उनको घड़ी बड़े सौभाग्य की होती है, उनको क्षण बड़े कोने का होता है मानव जीवन में, जिस क्षण में उसको वास्तव में जगत के पाप पापमय का दर्शन, लोगों को दर्शन नहीं हुआ, कहना ठीक है या सुनना ठीक है, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का वो संस्कृति थी ऐसी ही मेरे यहाँ सब दुखमय, दुखमय तो है पर दुखमय समझते तो दुख को पकड़े कहते रहते, उसे जगड़े कहते रहते। तो जब किसी के जीवन में ये क्षण आता है कि उसको जगत पाप काम से दुख दरिंद से हरा दिखता है, तब स्वाभाविक उसकी इच्छा होती है कि इससे छूटे। अब उससे छूटने के जो अपने पसंद चल रहा था जो साधन है, एक तो ये उसकी सुखमय गाथा, उसकी अनित्य गाथा, दुख दोषान दर्शनम ध्यान करके समझ समझ कर सोच सोच कर उससे मन को हटाए। यद्यपि ये सत्य है कि वास्तविक विश्वास होने पर अभ्यास की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जैसे कुशल पड़ता है आदमी निकलने के लिए अभ्यास करेंगे बाहर निकलने के लिए, ऐसा नहीं करता, घर में आग लगने पर निकलने का अभ्यास नहीं किया जाता, जैसे बने भागो प्राण बचाओ भाई, परंतु एक को भाग कर प्राण बचाना, दूसरा उपाय वही जो बात हो रही थी उस चोर को बुला लेना है, तो हमारे हृदय के सारे पीड़ित को पाप को दैन्य को दरदारिद्र को शोक को मूर्ख को अज्ञान को अविद्या को सारे जगत को जो चुरा ले जाने के लिए नित्य तैयार है, उनके चोर नाम की सिंहसार होता है महाराज, तो सारा नाम बढ़े चोरों का सरदार है, और चोरी करते हैं ऐसी चीजों की जो फिर भी मिल जाती है, और वो सारे जगत को सारे अज्ञान को इस प्रकार चुरा के ले जाते हैं ऐसी फूंदी के साथ कि फिर जगत ढूंढे नहीं मिलता, मिलता है जगत जब तक है तब तक बाहर के उपाय से मिठाई मिटता नहीं, और निकल जाने के बाद ढूंढे मिलता नहीं। जैसे किसी को स्वप्न आ रहा, उन्हें भी स्वप्न में समुद्र में डूब रहा हो, बाहर वालों को मालूम हो गया कि डूब रहा है, तो लाला करके नाले नाले बच्ची कर दी बाहर, चले बैठ जाओ पार से, तो बाहर के नालों से स्वप्न में डूबता हुआ पार नहीं होता, जब तक स्वप्न में डूबता है और जागने के बाद वो स्वप्न में
जागने के बाद डूबना रहता नहीं और डूबा है तब तक डूबना मिटता नहीं। एक दृष्टान्त पहले सुना हुआ होगा आप लोगों का, एक वेदांत का, पर हमारा वेदांत तो भक्ति अलग अलग चीज नहीं है, इनको अलग अलग मानना भी वो विनोद में प्रेमी होता वो अलग चीज है, सिद्धांत की चीज नहीं है। दृष्टांत है, महाराज जनक शयन कर रहे थे अपने महल में, बहुत सुंदर सैया था, उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में किसी शत्रु ने उनके उनकी राजधानी पर आक्रमण किया, जनक परास्त हो गए, राज्य पर शत्रु का अधिकार हो गया, जनक को राज्य से निकाल दिया गया, सारी चीजें उनकी छीन ली गई, केवल उनको पीन रहा और ये मुनादी करवा दी गई, इनको कोई खाने पीने को न दे, और ये जल्दी से जल्दी राज्य की सीमा से बाहर निकलना है। बात सुनने आ रहा है ना, बड़े दुखी जनक भूखे प्यासे राज्य की सीमा से बाहर निकले, दोपहर का समय बड़ी धूप पड़ रही, ताप से संतप्त, प्यास लगी, भूख लगी, तो ये अन्न सत्र था वहां पर, दोपहर हो चुकी थी इसलिए वहां का उस दिन का कार्य समाप्त हुआ, सब लोग भोजन कर चुके थे, इन्होंने कहा बड़ा भूखा बड़ी प्यास, तो वहां के दोस्त ठाकुर ने कहा महाराज आप दूर से आए, यहाँ तो सब समाप्त हो चुका, आप बोले कुछ तो हो, ये खिचड़ी की सूचन लगी है पटलोई में, जली सूचन ये भेंट ले, अब भूखे आदमी को पता लगता हमने कोई महत्व का खाते खाते कंटेनिंग हो जाए, डायरिया हो जाए, ऐसी को बुला, उनको भूख का ज्ञान नहीं है, गर्मी का ज्ञान है, इसीलिए महाराज भूखों की चीज भरे पेट वाले नहीं जानते, और जिस दिन भरे पेट वाले भूखों की चीज को जान लेंगे उस दिन भूखे रहेंगे नहीं, कोई जगह सुखी हो जाएगा, बदल राज भारत में इसकी कमी आज है। तो जनक ने कहा लाओ भाई हम भूखी और खेली हो जाए छोड़ चलो, तो उसने इनके से उसको कुर्चन को और हाथ में दे दिया, ये खाने लगे तैयार हुए थे, चीन ने चलता मारा, चीन ने थोड़ी सी कुर्चन थी, ये इसका उनका ध्यान था, तो वो बीच था पीछे तमाम पीछे उन्हें कुर्चन करे, अब इनको इतना दुख हुआ भूख के मारे राज्य तैयार कर दिया, तो ये इन्होंने चीख मारी जोर से, अब चीख सच्ची मारी गई, चीख मार से ये जग गए और महाराज ने चीख मारी क्या हो गया, सब तो तमाम महल में हंगामा किया, बड़े बड़े चिकित्सक आ गए, हमारे आ गए, दीवान आ गए, सरदार आ गए, रानी मरी क्या हो गया, क्या हो गया महाराज को, क्या हो गया महाराज, बड़े सखी थे वो देखते थे कि भाई क्या हो गया, बड़े से परम पर सोया हूँ, भूखा था, चील ने झपटा मारा और से चीख निकली, राजा अंतर तुरंत हुआ कि जिज्ञासा पैदा हुई, एक प्रश्न जा गए, एक प्रश्न बहुत से प्रश्न रहते हैं तो समाधान नहीं होता, जिज्ञासा बहुत ही बार जो आपसे बोध चाहता है, भगवान को चाहता है, एक बार चीखा आपने क्या बताया, आपको क्या मिला, एक प्रश्न जागा जनक थे उनके मुंह से निकला, ये सच्चा या वो सच्चा, ये सच्चा या वो सच्चा, लोगों ने समझा, वैद्यों ने देखा, डॉक्टरों ने समझा कि दिमाग खराब हो, कोई भयंकर सपना देखा होगा जिसका इतना प्रभाव पड़ा है मस्तिष्क पर कि मस्तिष्क बिगड़ गया, पागल हो गए महाराज, सचमुच पागल ही हो गए, और सचमुच
जो यहाँ से आते हैं उनके दिन पागल होते हैं, ऐसा है तो पागल हो गए। तो आप उसको पूछेंगे सर क्या ये बोल क्या कोई जाने नहीं बिछाया तो क्या बता रहे कोई स्त्री की बात है और ऐसे की बात का पता नहीं कहाँ कई तरह से आती है योगी इसका अलग ओके पूर्वी राजा का सारा हाल देखा बात मुझे महाराज मजे में सबने बताया महाराज कोई बीमारी नहीं मजे में थोड़ी रात को दूध रात लेकर जा रहा हूँ और न मालूम क्या हो गया बड़े दो से किरदार उठे और उसके बाद जब जगह तो ये बुलाकर उन्होंने सब चीजों को जाना देखा सुंदराज में पहुंचे जनक के सुंदराज में पहुंचे सारी चीज जान ली पास बैठे बोले जनक क्या कहते हो ये सच्चा कि वो सच्चा। अब ये बोले कि जिस समय तुम्हारे राज्य का हरण हुआ था शत्रु के द्वारा उस समय ये महल वो और महल और पलंग था क्या बोले ना अच्छा तुम उस समय राज्य से निकाले गए सूत्र बनाकर उस समय तुम राज्य में रहने थे राजा थे राजा कैसे था अच्छा इस समय तुम अन्य क्षेत्र में पहुँचे उस समय तुम्हें यहाँ लगी तो थी उस समय तुम इस महल में नहीं थे बोले ना राज गया बोले हाँ गया भूख लगी थी बोले हाँ लगी थी अब राज गया तो है बाद में राज अब भूख है बोले अब अन्य क्षेत्र बोले ना स्वप्न में जागृत की सत्ता नहीं जागृत स्वप्न की सत्ता नहीं देखने वाले कुंभी वहां वही कुंभी दृष्टा। ये मेरे कहने का मतलब यह है कि जगत जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में है नहीं तथापि हमने इसको बसा रखा है तो वो चोर क्या करता है वो चोर इस बेल में घुस जाता है और घुसता है उसके अंदर जो घुसाना चाहे दो तरह के चोर होते हैं एक चोर वो होता है जो इच्छा करने वाले के घर में छोड़ दिया और जान छोड़ता अपनी चीज को होता है जिसको छोड़ता है फिर उसकी छोड़ता है इतनी खुशी जो है इनका चोर नाम सार्थक जिस समय जगत बसा है पहले तो उस चित्र में आकर के स्वप्न पर जाते इतने ठोस वो बेचारा चोर की हवा निकल जाती है वो चीज है भला कहीं चोर में ठोस आ जाते हरी हो कहीं पर और उसमें आप भी भर दीजिए आके बैठ जाते हैं बुलाना चाहते हैं उसके बाद उसके हृदय पर अपना अधिकार कर लेते हैं और उसके बाद शुद्ध हृदय पर अधिकार कर लेते हैं उसके बाद तो ये जो पद्धति है तीसरी पद्धति होता है इसमें करना कुछ नहीं केवल ये करना पड़ता है इतना ही ऐसा सारा बता मेरा और मैं
ये दो बंधन की चीजें हैं। इस मेल को बना देना होता है, मेरा सारा का सारा जागरण केंद्रित हो जाता है उनके श्री चरणों में, उनमें, और मैं सारा का सारा जागरण केंद्रित हो जाता है उनके दासत्व में। मैं उनका दास, उनके चरण कमलों की सेवा ही मेरी वस्तु। नमस्कार के वस्तु क्या? प्रियतम की सेवा। और मैं क्या? उनका वहां पर सेवक सेवा
अरे आपके भगवान जो है भगवान आपके उनसे हमारे दूर नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे मंदिर से एक हिंदू को भगवान हमारे भगवान से अलग नहीं, हमारे भगवान इनके भगवान लग रहे हैं। सचमुच ये बात है, ये समझने की बात। अनंतता का अर्थ ये नहीं कि राम को भजने वाला किसी का खंडन करे और कृष्ण को भजने वाला शिव का खंडन करे, शिव का उपासक देवी का खंडन करे, उपासन निराकार का खंडन करे, शिविर का उपासन सदगुरु का खंडन करे, ये अन्य एक तत्व एक शब्द है। राम का उपासक ये मान है, बड़ी सुंदर बात। राम ही एकमात्र सत्य एक होता है, राम ही एकमात्र परमात्मा है, परब्रह्म है, परात्पर परम ज्योति परम शक्ति वही सूर्य बने हुए हैं, वही गणेश बने हुए हैं, वही सारे बाप बने हुए हैं, वही मोहम्मद अल्लाह बने हुए हैं, वही रघुष्ट के दिल्ला व्यवस्था बने हुए हैं, वही जितने उपासक जितने रूपों में उनको पूछते हैं तो सारी पूजा उनकी होती है और दोनों नामों से उनकी बन गया था। नहीं तो क्या होगा अगर राम का उपासक जो माने कि राम ही भगवान, कृष्ण भगवान नहीं, देवी भगवान नहीं, निर्गुण ब्रह्म भगवान नहीं, तो राम को मानने वाले सीमित संख्या नहीं है ना। राम से मानने वाले ने अपने राम को एक सीमा मिला कर जगह दिया, राम अल्प हो गए और अल्प खत्म हो गए, नारे से हम तो मिले। और यदि ये मानने जितने भगवान सबके अलग अलग भगवान है तो कोई भगवान रहता है, तो अलग अलग भगवान भी नहीं है। और एक भगवान दूसरे भगवान नहीं ये बात भी नहीं है, तो क्या है एक ही भगवान, एक ही राम, एक ही कृष्ण, एक ही दुर्गा, कुछ भी नाम है। आज भगवान देख रहा देख रहा था उसमें सारे सब की उत्पत्ति थी, बड़ा सुंदर है। तो एक ही सत्य एक है, सत्य एक है, उस सत्य में ही विभिन्न नाम रूपों से भगवान जो है ईसाइयों के भगवान भी दूसरे हमारे भगवान उनके भगवान बने, उन्होंने जब कहा कि आपके भगवान ने क्या कहा तो हमने उनके दोस्त को बताया कि देखो भाई तुम्हारे भगवान को केवल पापों की मुक्ति मिलती है, हमारे भगवान माफी का नाम नहीं देते, माफी का नाम नहीं देते, देखो उन पर उनके सामने होते ही प्रवेशन भी करना संशोधन भी करना पड़ता, केवल ये मान लो एकमात्र प्राण करने वाले ये नहीं हमने उनके तो साधु हो गए भगवान साधु क्या देते हैं उससे आप मास्टर उनके जब उसमें असाधु का रह जाए, हमारे भगवान को प्रेम साधु मान लेते हैं तो साधु नहीं मानते, कचेरी हो जाए तो साधु मान गए मानने दिया महात्मा तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और धर्मात्मा भी बोले कि जिसके कुछ हो शांति शाश्वती शांति प्राप्त करता है, उसके बाद उसके भगवान अपना भक्त मान लेते हैं। तो भगवान जो है ये साधुओं को देने के लिए तैयार है, जैसे लिंगा ये नहीं है सारे पास बैठे जाएंगे भगवान पास बन जाएंगे,
جیسے سورج اندھکار لینے کو چلا ہے سرکار ہم کہیں کہ سورج سارے اندھکار کو لینے کے لیے تیار ہے پر لینے کی تیاری کا یہ تھوڑی بچے کہ سورج میں اندھکار جا کے بھول جاتا بھگوان کے پرکاش کے سامنے رہتانے کو اسی لیے اس دشی سے بھگوان سور ہیں ہمارے سارے پاپوں کو انیائے کو ہماری سارے جانے والے چرا کر اپنے میں ہم کو ملا لیتے ہیں ہمارے انہیں آ کے مل جاتے ہیں اور اس میں بڑی چیز کیا ہوتی ہے اور وہ بڑی چیز مہاراج بڑے مہتو کی ہے وہ بڑی چیز ہے بھگوان کا نام بھاگوت بھگوان کے نام میں بھکت بھکتی مانا بھکتوں کی بھکتی کرنے والے بھکتوں کی بھکتی کرنے والے بھگوان ہوتا اپنے گھر پشو بار سن تھی نا جہاں پر لین دین ہے وہاں پر ویاپار ہے پھر بھی اپنے نام تھوڑا سا رکھنے لگے جس کا پوری سے مجھے جانے ایک لاکھ بار ہے ایسا ہوتا نہیں ہے رشتہ بہت ہے یہ بھی پھل نہیں آئے پرنتو یہ بےمانی بےمانی ہے وہ ویاپار ہے بھگوان بھگوان جو سیوا کر کے بدلا بدلے میں قیمت لے لے وہ لے لگیں گے اور جو مالک سیوا شکرا کے سیوا کو بھول جائے یہ دونوں جو ہماری ہیں بھگوان بھکت کے بھکت ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ بہت میٹھی چیز ہے بڑی میٹھی سارا ڈر بھگوان سے چاہے گھر پر چاہے لوگ چاہیں چاہیں بازی کرے بھگوان کا کام دے کام پیدا کر دینے والا نرچ میں اچھا پیدا کر دینے والا کبھی بھوک نہ لگنے والے میں بھوک پیدا کر دینے والا کبھی پیاس پر نہ لگنے والے میں پیاس پیدا کر دینے والا ایک بار ایسا ہے کھانے کے لیے سوئم لال آئی تھی دینے والوں کا لینے والوں کا لینے کے بعد الگ ہے جو کسی پرکار سے لے کے اندر دیتی رہتے ہیں ان کا وقت ہوتا ہے ان کے پچھلے وقت بھگوان سے اتنی پریت ہوتی ہے اور ان کی سیوا کرنے میں بھگوان کو آنند آتا ہے عاشق معشوق ہو جاتا معشوق عاشق بھگوان پریمی کو پریم آسپد بنانا سب سے بڑی چیز جو ہے مہاراج یہاں یہاں وہ ہے سادھنا کے کھیتر میں دنیا کے کھیتر میں بہار کے کھیتر میں میری سفلتا سے پانا ہو تو سیاح کے بنا سکھ نہیں سہن کری پیار سے کیا ہوتا ہے
जिसके लिए हम क्या करते हैं उसका हृदय किसी के हृदय से अपने अधिकार में लेना हो तो अपनी शक्ति मानों को भस्म कर दे इसलिए देने लगे कठिन हो जाएगा प्रेमी हो जाएगा जो सेवा करने वाला बन जाएगा वो अपने आप को हमारे हाथ दे ये कहते हैं कि बिल्कुल सारे उनकी का चीज है भाषा की दोस्त भगवान की दोस्त तो जहाँ जहाँ पर प्रेमी का भय लेने के लिए वहाँ वहाँ भगवान सुनो कभी मैं ना ही कभी विचार देता मन इतना जब महाजन के सामने शुरू ऊंचा करने की बात होने करके मन ऊंचा नहीं करते इतना जब रहे बोलने से कहा कि भाई देवताओं की आयु में ही तुम्हारे को हम सुना है वो कहाँ से जहाँ देने लेना है लेना है तो वहाँ से भगवान उस वस्तु के लिए लालायित हो जाते हैं पाने के लिए एक किसान लेकर समुद्र समाप्त करते हैं और सुना हुआ है पर ये बार बार याद करने का करने की बात हुई बस हुई हो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के लिए निमंत्रण बात बुरी नहीं था भगवान की जो बात कही भूख मैं नहीं मरता तो फिर के पास कोई इसका नहीं था पहली बात जो इंसान इसके तो भूख मरना ही थे भूख मरने की बात सुनिए वही भूख मरते हैं जहाँ खाना इंतजाम करते हैं भोजन स्वीकार करते हैं और भोजन के लिए नहीं करते भोजन स्वीकार करके भोजन के लिए नहीं करते मानार्थी की कथा छोड़ दें भक्त गाथा की कथा बड़ी सुंदर है अब सब पीछे पीछे सामने गए तो नाम दिया बूढ़े रहे खड़े हो गए श्याम सुंदर पवित्र हो भीष्म का राम की कुटिया पवित्र हो कथा का आपद है बोली तुम्हारा तो कुछ मेरा ही है जाने का मन है बिना बुलाए बिना निमंत्रण के बनाने वाला आज इसका निमंत्रण बंद नहीं है तो किसी संकेत नहीं हमारा वहाँ हो क्या रहा था उधर पत्नी ये है श्री राम का आदमी अगर हम लोग अपरिग्रह ही हो जाए इसको मान ले तो संसार में से तुम मर जाए जमीन तो नहीं मरता इसका कारण है हम संग्रही हो गए इसके कुछ नमूने हैं एक नमूना था इसका जो बुजुर्ग के घर में बिछौना नहीं खटिया नहीं बर्तन नहीं खाने का सामान नहीं कोई बाहर की सामग्री नहीं बड़ी सुंदर थी साफ सुंदरी थी छोटी सी कुटिया तो जमीन पर अपना सुने तो कुछ फल मूल मिल गया उसे खा ले बड़ी चर्चा घर से धृतराष्ट्र उनके घर पहुंचे तो बात क्या थी मित्र पत्नी के यहाँ संग्रह थे उनके पास एक साड़ी एक साथ
जब स्नान किया करती तो जरा लपेट लेती और साड़ी को धो के सुखा देती और फिर जब साड़ी सूख जाती दूसरे समय लेती वो साड़ी रखना संग्रह हो जाता। तो अभी संध्या का समय वो नहाने लगी साड़ी सूख रही तो चिथड़ा लपेट ले नहा रही स्नाना का बाप दोनों बताई हो नहा रहे घर में आनंद में चार से चुमार खटखटाए चुमार खटखटा रहा है आवाज सुनाई दी कौन है मेरी पत्नी का कौन है वो आवाज आ रही है मैं कृष्ण मैया बड़ी भूख लगी है मैं कृष्ण मैया बड़ी भूख लगी है अब मैया के दूसरे राज्य में चले अरे श्याम सुंदर पधारे हैं और उनकी भूख लगी है अब वो मैं कौन हूँ कहाँ हूँ क्या कर रही हूँ इस अवस्था में वो सारी है या नहीं है जगत की सारी स्मृति हो गई श्री कृष्ण है और भूख लग रही है कुछ याद नहीं है दौड़ी कुछ नहीं है दौड़ी कुमार खोली भगवान का पीठांबर की साड़ी बना था वहाँ भाव से बना था और यहाँ पीठांबर उठा दिया भगवान ने साड़ी बन गया जैसे बच्चे का हाथ माँ पकड़ती है बिजवानी भैया ने हाथ पकड़ लिया हाथ चलो भीतर भीतर चुपचाप ऐसे बच्चा हमारे साथ गया अब अंदर क्या दशा थी इन्हें दोष नहीं अरे इनके कानों में और आत्मा में एक बात गुज रहा है मैं कृष्ण मैया भूखा हूँ और कुछ स्मृति नहीं अंदर गए अंदर जाके इनको बैठाना एक उल्टा पीढ़ा का टूटा रुक गया था और चाय उसके चाय घर में था हाथ लगे मुझे आसन में आसन हम समझ गए हम ये आसन मिला टूटा टूटा फिर आसन मिला मुझे बड़ा सुख मिला अब इनको तो वो बात याद है ना भूख मैं भूखा खिलाना चाहिए विवेक नहीं वही पर कुछ केले थे पानी के तो इनको ये पता नहीं आज केले हैं कि संतरे हैं कि आम है उठने वाला फटे कि फिर उठने वाला पता नहीं ध्यान में आया ऐसे ही दिमाग में ये अंदर उठनी उठनी है ऊपर दिखाने की है तो लगी छेड़ने का छिड़ के गिरने लगी और अंदर का वो जाएगा फिर एक दिया दो दिया हाँ मैया वहां निशान वहां निशान अब मैया बड़ी तरह से भूखा था कृष्ण भूखा था ना मेरा मेरा श्याम सुंदर भूखा खा रहा है बड़ी तरह से और भी मैया और दे हाँ भाई हाँ और ये दिए जाए वो पूरी है चाहे खाया जाए फिर रुपये को पता लगा नहीं तेरे सरों को पढ़ाए देखा दरवाजा खुला अंदर दूसरे जो पत्नी की साड़ी है तुम हटे सर क्या बात है तुम फिर आगे गए कृष्ण देखा सुंदर टूटे टूटे पीढ़े पर आसीन है बुजुर्ग पत्नी बुढ़िया मैया प्रेम सागर में निमग्न है धारा रेश में निमग्न है विभोर है छिड़के दे रही है और बड़े मजदूर छिड़के खा रहे हैं न श्री कृष्ण को होश है और न खिलाने वाली निगरानी को दोनों मुंह से दुनिया में या शांति सीधी कितने बड़े कितने छोटे हो जाते हैं प्रेम तो बिल्कुल प्रेम को
ان تكون مسلما كنت 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 تكون مسلما
सहायता करने के लिए ना, भक्ति की सहायता। अरे देखिए वो सहायता कहाँ से आती है, कौन तैयारी करता है, मरना जीना आना जाना रखता है कुछ भी नहीं है, एक तुम्हारे मन की हो बस स्वाभिमान करना, मरना जीना आना जाना रखता कुछ भी नहीं, तुम्हारे मन की हो बस स्वाभिमान करना। चाहे तो इतना स्वारस्य इस काम में आकर मिला।